जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, हो चुकी है और मॉर्निंग के बज गए हैं 8:30। गाइस, मैंने एक्सरसाइज कर ली है, पूजा पाठ सारी चीज़ें कर ली हैं। अभी मैं करने जाऊंगी अपना ब्रेकफास्ट, लेकिन ब्रेकफास्ट से पहले थोड़ा सा पैदल दिखा देती हूँ। ये देखिए, धूप खिलखिली हुई है, लेकिन धूप में आज हवा भी चल रही है। सारे कपड़े मैंने वॉश कर दिए हैं, मेरा काम तो जल्दी से हो गया है। मैं चाय बना लेती हूँ, ब्रेकफास्ट आज मैं बहुत मिस कर रही हूँ। चुन्नू मुन्नू सोना गुड्डा, ये देखो, ये देखो, देखो 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 कैसे मस्ती काट रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अभी मैं इनको आवाज़ दे रही थी और ये वहाँ जाके बैठ गए, देख रहे हो आप। ये देखो, घड़े में आप देख सकते हैं टाइम कितना हो गया है। चलो थोड़ा सा गॉसिप कर लें, आज अंकल के साथ बहुत दिन हुआ। नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार जी, कैसे हो? अच्छे हैं, बहुत दिन बाद। आपका आशीर्वाद है? हाँ, दोस्त लोग कह रहे थे अंकल जी कहाँ हैं। तो है, मेरा आशीर्वाद क्यों है, भगवान जी का आशीर्वाद है। दुआओं का बच्चों की और उनकी सबकी दुआ लगती है। सबकी लगती है, सही बात। हाँ, ये मत कहो कि ये बड़ों की लगती है बच्चों की, नहीं, बड़ों की दुआ जरूर लग जाती है, छोटों की लग जाती है, बात कहीं की कहीं लग जाती है। अच्छा, तो वो ईश्वर की कृपा है सर। आप अपने बारे में बताओ, क्या हाल चाल है आपके? मैं क्या बताऊं बेटा, अपने अपनी तबीयत के बारे में बताओ, अपने हाथ के बारे में बताओ, अपने पैर के बारे में बताओ, अपने स्वास्थ्य के बारे में बताओ। पैर मेरा पहले से कितना इम्प्रूवमेंट है आपको? अब धीरे धीरे वो पैर, ये वाला पैर, तो पहले जो गिरता था मैं ऐसे ऐसे, अब गिरता नहीं हूँ। अब ठीक से स्टेबल हो जाते हो? धीरे धीरे ये पैर चल पाए। ठीक है, वेरी गुड। और दवाइयाँ कौन कौन सी खा रहे हो? तो आप ये ले रहे हो ना दवाइयाँ, ये फायदा कर रही हैं दवाइयाँ आपको? दवाई खत्म हो रही है, अब दवाई आएगी। दवाई तो ले आऊंगी, कोई बात नहीं। बैद की दवाई है ना, वो फायदा कर रही है। हाथ में कितना इम्प्रूवमेंट है हाथ में? हाँ, हाथ में तो वो करवाएंगी, क्या नाम है उनका, गोलू की मम्मी। कब? कभी जाएंगे, जब हम जाएंगे ढकपुरा। हाँ चलो ठीक है, डॉक्टर बताया होगा दीदी ने? है? डॉक्टर बताया होगा कोई पम्मी ने? हाँ। आप एक अच्छा सा गाना सुनाओ, चलो। है? गाना सुनाओ अच्छा सा, गाना सुनाओ, गाना, एक अच्छा सा गाना सुनाओ। हम सब हुए परदेसी, क्या बात है कि तेरा यहाँ कोई नहीं। अच्छा तो देखो दोस्तों कैसे अंकल हमारे गाना गा रहे हैं। हम तो हुए परदेसी। अच्छा, कोई परदेसी हो गए। चलो इनको बताना कितने नंबर देते हो आप अंकल के गाने को। चलो अभी तो फिर आप ये दूध पी लो, मैं थोड़ा जा रही हूँ, है ना, डी मार्ट जा रही हूँ, थोड़ा सामान ले आऊँ। नमकीन बिस्किट खत्म हो गए हैं, डी मार्ट से सामान ले आए थोड़ा, ठीक है, अभी आ रहे हैं एक घंटे में। ले आओ, ले आओ, कुछ भी ले आओ। चलो दोस्तों से बाय कर दो। दोस्त मुझे कब लोगे? क्या, अच्छा कान की मशीन? हाँ। अरे चलो मैं पूछूंगी उनसे। टालोगे? टालेंगे नहीं, उन्होंने पूछा है कई बार। चलो मैं बात करती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। तो जी गाइस, डी मार्ट में शॉपिंग करने के बाद मैं बाहर आ गई थी डी मार्ट की। जी हाँ, यहाँ पे इडली का ये बोर्ड देख के इडली खाने का मन कर गया, तो यहाँ पे ले ली मैंने इडली। मैंने मिक्सी में पीस लिया है, ये देख सकते हैं आप, राई है और सौंफ है, और ये देख सकते हैं मसाला पीस चुका है। यहाँ पे मैंने मिर्ची को ये थोड़ा सा मैंने उबाल के रखा हुआ है, मतलब बोलते हैं इसको बफी आना, तो ये कर लिया है, और इसमें मैंने तेल डाल लिया है। तो मैं आज इनको बना रही हूँ मसालेदार मिर्ची। ये देखिए गाइस, मिर्च बन चुकी है मसाले वाली। यहाँ पे मेरा रेडी हो चुका है दलिया, ये देख सकते हैं आप, मैंने दलिया बनाया है क्योंकि आजकल मैं दलिया ही खा रही हूँ आफ्टरनून लंच में। ये देखिए, ओ माई गॉड, मैंने कहा था ना मेरे चुन्नू मुन्नू सोना गुड्डा आएंगे और ये आ चुके हैं। ये देखो, ओ माई गॉड, सीरियसली गाइस, सोना सोना, मेरे बच्चे, मेरे छोटे छोटे चे पॉली पॉली चे गुड डे। गाइस आप देख सकते हो घड़ी में बजने वाले हैं 5। जी हाँ, लंच वगैरह सारी चीज़ें कर ली है, डी मार्ट से भी सामान आ चुका है, ये देख सकते हो आप। मेरे को बीच में मैं ब्लॉगिंग नहीं की थी, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ, मैं अपनी रील्स बना चुकी हूँ इस यूनिफॉर्म में, और अभी इतना स्वेटिंग हो रहा है ना कि मैं अब दूसरा ड्रेस चेंज कर लेती हूँ।
तो सडन से याद आता है कि अरे रे 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 कशिश, तुम्हारा फोन व्लॉगिंग के लिए किधर चला गया। फिर फटाफट से लेके आई और व्लॉगिंग कर डाली। तो गाइज ये देख सकते हैं आप, कुछ ये ऐसे पड़ा हुआ है मेरा रूम। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ, 5 तो बज चुके हैं, मैं क्या ही सेकंड ड्रेसेस में रील बनाऊंगी। लेट्स सी, अगर बनाती हूँ तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। गाइज आफ्टर लंच, अब देखो हम लोग मूवी देख रहे हैं तो खाने का मन कर रहा है हमारा मैगी, और यहाँ पे बना रहे हैं चाय। घड़ी में 4:30 बज चुके हैं। तो जी गाइज यहाँ पे मैगी रेडी हो गई थी, और मैगी देखते देखते हम लोग यहाँ पे देख रहे थे मूवी। जी हाँ गाइज, मैगी थी, चाय थी, तो मैं तो ऐसे ही इंजॉय करती हूँ अपने दिन को। तो आप लोग कैसे इंजॉय करते हैं? मैं तो बस कभी मैगी बना ली, कभी चाय बना ली, और साथ में मूवी का इंजॉय ले रही हूँ। गाना देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि मूवी कौन सी है, तो मैं वेट करूंगी, आप लोग बताइए और गैस कीजिए कि ये मूवी कौन सी है। देखिए गाइज, मेरी दीदी ने ये देसी घी गाँव का बना के भेजा है मेरे लिए। तो लव यू दीदी, लव यू सो मच कि आप मेरे लिए इतना सोचते हो, इतना वो करते हो। तो अभी मैंने अपनी थाली लगाई है, जिसमें मैंने अरहर की दाल, करेले एंड चपाती रखी, और ये देखिए शुद्ध देसी घी मेरे लिए। तो थैंक यू यार, कितना सोचते हो ना आप मेरे बारे में।